सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, रोहित शर्मा ने मैन ऑफ द मैच लेते हुए बताया वह कारण क्यों उनके अलावा कोई और नहीं लगा पाता है दोहरा शतक। भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच तीन मैचों की वन डे सीरीज का दूसरा वन डे मैच आज बुधवार 13 दिसंबर को मोहाली के स्टेडियम में खेला गया। भारतीय टीम के स्टार ओपनर बल्लेबाज व कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में अपने शानदार दोहरे शतक के चलते भारतीय टीम 141 रनों से जीत दिला दी और साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज को भी 1-1 से बराबर करवा ली है। रोहित के शानदार दोहरे शतक से खड़ा किया 392 रनों का विशाल स्कोर। इस मैच में श्रीलंकाई टीम के कप्तान थिसारा परेरा ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही और भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और रोहित शर्मा ने 115 रन की शतकीय साझेदारी निभाई। शिखर 67 गेंद में 68 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने दूसरे विकेट के लिए 213 रन की साझेदारी निभाई, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 392 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 153 गेंद पर नाबाद 213 रन की पारी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने खेली। वहीं युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने भी 60 गेंद में 87 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं श्रीलंका की टीम के लिए कप्तान थिसारा परेरा ने 3 विकेट लिए। श्रीलंका बल्लेबाजों ने किया सरेंडर। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की नियमित अंतराल में अपने विकेट गंवाती रही और निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 251 रन ही बना सकी और मैच को भारतीय टीम ने 141 रनों से आसानी से जीत लिया। रोहित को दोहरे शतक के लिए मिला मैन ऑफ द मैच। भारत के स्टार ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा को उनके शानदार दोहरे शतक के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। रोहित ने मात्र 153 गेंदों में 13 शानदार चौके व 12 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 208 रन की नाबाद दोहरे शतकीय पारी खेली। ये कहा रोहित ने मैन ऑफ द मैच लेते हुए। भारत के कप्तान व स्टार ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने मैन ऑफ द मैच लेते हुए कहा, यह हमारे बहुत ही शानदार दिन था। यह मैच जीतना मेरे लिए और टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। धर्मशाला में जो हमें हार मिली उसके बाद सीरीज में वापस आना बहुत जरूरी था और हमने ऐसे शानदार ढंग से सीरीज में वापस भी आए हैं। हमने एक अच्छा स्कोर किया और यह जरूरी भी था क्योंकि मैदान में अंत में ओस भी आई थी। जब रोहित से 40 ओवर के बाद अगले 100 रन बनाने के बारे में पूछा गया तो रोहित ने कहा, यदि मैं गलत नहीं हूं, तो मैंने अपने पहले दो दोहरे शतक में भी मैंने अपने पहले 100 रन 38 ओवर के आसपास ही बनाए थे और यह भी कुछ ऐसा ही था। मैंने अपने आप को सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहा और अपने आप को मैदान में होल्ड करके रखा और बाद में तेजी से रन बनाए। मेरी सोच बिल्कुल साफ थी कि मैं शुरुआत में जोखिम नहीं लूंगा और एक दो रन के लिए ही जाऊंगा और ऐसे में 70 गेंद में 50 रन भी ठीक है क्योंकि विकेट बहुत अच्छा था और मुझे पता था कि मैं अगर इस विकेट पर टिक गया तो बाद में इस विकेट में बॉल काफी आसानी से आएगा और मैं एक अच्छी पारी खेल सकता हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।